हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सी रेटी सोल्यूशन। और हाल ही में दोस्तों टीसीएस की तरफ से हमें कुछ नए अपडेट देखने के लिए मिल रहे हैं। हाल ही में आप लोगों के लिए टीसीएस ने कुछ नए वेबिनार्स, कुछ नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो कि आप लोगों को आगे प्लेसमेंट में काफी ज्यादा मदद देने वाले हैं। टीसीएस का खुद भी कहना है दोस्तों कि अगर आप इस तरह की कम्युनिटी में उनके साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों को आगे टीसीएस में जॉब मिलने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप इस वीडियो में जरूर लास्ट तक खुद भी बने रहें और अपने दोस्तों तक इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि वो सब भी इसका फायदा उठा पाए और आने वाले समय पर एक सर्विस बेस्ड कंपनी में भी अगर वो प्लेसमेंट पाना चाह रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए काफी अच्छी है। दो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। पहले मैं आपको टीसीएस का लॉन्चपैड वाला प्रोग्राम बताने वाला हूं, फिर मैं आपको दोस्तों टीसीएस की तरफ से जो डीबीएमएस के ऊपर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर उनके द्वारा ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो पसंद आएगी हमेशा की तरह लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा दोस्तों, वहां पे आपको इस तरह के अपडेट ना टाइम टू टाइम पता चलते रहते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूं। तो मैं जो दो अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं दोस्तों, पहले मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। जो पहली अपॉर्चुनिटी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिलेगी रजिस्टर फॉर टीसीएस लॉन्च पैड। इसका एडवांटेज क्या होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, हर डिटेल में हम आगे आ रहे होंगे। और वहीं पर जो मैं दूसरा आपको प्रोग्राम यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों, मास्टर डेटा मैनेजमेंट फॉर बिगिनर्स, जिसमें आप लोगों को टीसीएस का एक गारंटेड सर्टिफिकेट भी बिल्कुल फ्री पे मिलेगा। आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में हम बात कर रहे होंगे। तो चलिए पहले मैं आपको यहां पे यार टीसीएस के ना सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए जो लॉन्चपैड की आई है उसके बारे में बता देता हूं। लगभग कुछ दिनों पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि लॉन्चपैड का अनाउंसमेंट आया है, बट उस समय रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं थे। तो रजिस्ट्रेशन अब ओपन हो चुके हैं दोस्तों। बेसिकली बात कर ली जाए कि ये जो लॉन्चपैड है इसमें आपको क्या क्या एडवांटेज होने वाला है। तो अगर आप दोस्तों टीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को दोस्तों इस पर बहुत सारे वेबिनार्स मिलने वाले हैं। एक्सपर्ट वेबिनार्स आपको मिलेंगे जो कि टेक्निकल और एप्टीट्यूड के बेसिस में होंगे, किस तरीके से आप इनके इंटरव्यू राउंड को क्रैक कर पाएंगे उसके ऊपर आप लोगों को टेक्निकल स्किल सिखाई जाएगी। और यहां पे आप लोगों को दोस्तों कुछ एक्सक्लूसिव कोर्सेज भी सिखाए जाएंगे जिसमें आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप ही कराई जाएगी, हैकाथन और आइडिया थन का पूरा आइडिया दिया जाएगा, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे क्रैक करके आप इस पे टीसीएस पे एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं, ये बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप में से बहुत सारे लोग ये डाउट में रहते हैं कि किस तरीके से यार कब वैकेंसीज आती है टीसीएस में, कैसे उसे क्लियर करना है, तो इसके ऊपर पॉडकास्ट और टीसीएस के तरफ से टेक न्यूज आपको मिलेगी। और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये अनाउंसमेंट अभी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों कि टीसीएस ने यहाँ पे टीसीएस लॉन्चपैड जो निकाला हुआ है ये कम्युनिटी 2024 बैच के लिए है, मतलब नेक्स्ट ईयर जो, क्योंकि दोस्तों इस ईयर की तो हायरिंग अभी नहीं आई लेकिन इसके ऊपर अभी 24 बैच वालों के लिए बस ये अपडेट आया हुआ है। 24 बैच वाले जो कि अभी हैं और बी बीटेक के किसी भी ईयर में इनरोल है, चाहे वो बीसीए हैं या फिर वो बीएससी है या फिर वो बी बीटेक है या फिर वो एमसीए हैं, वो इसका फायदा उठा सकते हैं और एक काफी अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी इस पे पा सकते हैं। और यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो में दोस्तों लॉन्चपैड में किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ये पूरा बताया गया है। साथ में आप इनके एलुमनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जो कि दोस्तों यहां से निकलने के बाद सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट ना टीसीएस में पा चुके हैं। तो ये पॉडकास्ट और ये वेबिनार आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको अल्टीमेटली यार इसमें जॉब चाहिए, तो टीसीएस में जॉब चाहिए। तो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है दोस्तों किस तरीके से आप लोगों को यार नेक्स्ट स्टेप में अकाउंट बनाना है, कैसे इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर दोस्तों डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बनाई है कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस काफी लंबे, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी सारी चीजें काफी अच्छे से लिखी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें किसी तरह की कोई जॉब कमिटमेंट है क्या, तो यहाँ पे टीसीएस का कहना है दोस्तों कि आप इसमें अप्लाई करेंगे तो जॉब को आपको कैसे क्रैक करना है ये बताया जाएगा, लेकिन जॉब इसमें ज्वाइन करने से आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको राउंड्स भी आगे चल के क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो इस पे एफएक्यू सेक्शन में आइएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह की कोई भी फीस इसमें आपसे चार्ज नहीं की जा रही है, काफी अच्छा मौका है
ज्वाइन जरूर करिएगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, मास्टर डेटा मैनेजमेंट फॉर बिगिनर्स फ्री कोर्स है, सेल्फ बेस्ड है, तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ 1 वीक आपको लगेगा, 1.5 आवर्स में आप चाहें तो एक ही दिन में इसे कवर भी कर सकते हैं। और इंग्लिश में है ये कोर्स, इसमें आप लोगों को दोस्तों डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सिखाया जाएगा, इसके ऊपर एक मास्टरी कराई जाएगी और इसमें किस तरीके से टीसीएस खुद इस पे काम करती है सारी चीजें आपको सिखाई जाने वाली है। डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये सर्टिफिकेट आप अपने रिज्यूम में लगा के टीसीएस में अगर बाय द वे मान लीजिए आप इंटरव्यू बैठते हैं तो उन्हें बता सकते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से हमने एक कोर्स किया हुआ था और हमें इसका नॉलेज है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर देने पे आप लोगों को इसका फायदा हो सकता है। याद रखिए डीबीएमएस हर कंपनी आज के डेट में यूज करती है, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये स्किल हो सकती है। और अगर आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पास आउट हो चुके, आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। क्या इसके लिए आपको कोई और नॉलेज चाहिए, तो बेसिक नॉलेज ऑफ डेटाबेस होना चाहिए ये बताया है। कितना टाइम लगेगा, 1.5। क्या कोई इसमें असेसमेंट होगा, कोई असेसमेंट नहीं होगा, आपको सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना है। और क्या आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, यस कंप्लीट करिए और आप लोगों को सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करिएगा, डिटेल अपना लॉगिन कर लीजिएगा, कोर्स स्टार्ट करिएगा, कोर्स को कंप्लीट करते ही आपको सर्टिफिकेट फ्री पे मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।